वैसे तो प्लास्टिक कैरी बैग्स पर बैन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पर जो दुकानदार हैं इसको चोरी चुपके में बेचते हैं। इसी को लेकर आज पठानकोट में डिप्टी कमिश्नर नगर निगम के हुक्मों अनुसार और डीसी के ऑर्डर्स के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग्स के ऊपर बैन लगा हुआ है और वहीं दोबारा इसके विरुद्ध मुहिम चलाई गई है और दुकानदार पर छापा मारा गया है और जिस दुकान से पॉलीथीन मिला है वहाँ उस दुकान के चालान भी काटे गए। तो बताते चले कि ये मुहिम जो है ये तब तक चलेगा जब तक पठानकोट पॉलीथीन मुक्त नहीं हो जाता। वो इस मामले को लेकर नगर निगम अधिकारी डॉक्टर एनके सिंह का और क्या कहना है एक बार आप सुनिए। हाँ सर, आज डिप्टी कमिश्नर कम कमिश्नर नगर निगम पठानकोट जी के हुक्म और पीएमआईडीसी के ऑर्डर जरा पंजाब सरकार वालों प्लास्टिक कैरी बैग बैन लगे द्वारा तो उसके विरुद्ध मुहिम चलाई गई है और एक दुकान पर छापा मारा जितों सानू घट्टो घट 100 किलो के करीब बैंड जरा पॉली बैग्स मिले है उन्होंने कन्फिस्केट कर रहे हैं और चलान इशू करता है और ये जी मुहिम है ये लगातार चालू रहेगी जब तक कि पठानकोट प्लास्टिक मुक्त नहीं हो जाता। की कर लिया सर इन्हें लंबे समय बाद नगर निगम को अधिकारी कैसे इन्ने लंबे समय बाद भी इन्ने लंबे समय च साढ़े द्वारा इन्हों सारे जिन्हें भी यूनियनस है इन्हों टाइम दिता गया इन्हों गलबात की गई कि तुम अपना जिन्ना भी स्टॉक है वह क्लीयर कर लो और फिर अही जो पकड़ा तो दोबारा तो चांस नहीं देंगे। इसलिए तुम देखे होना कि हूँ कोई भी रजिस्टेंस उस दुकानदार वालों नहीं आई क्योंकि उन्होंने पता है कि सू बहुत ज़्यादा टाइम दिता है इस काम लिए किसी भी तरह ना पॉलीथिन जड़ा है वो बैन। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड।